नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं एक ऐसी हस्ती जिनका नाम है नाथू सिंह गुर्जर। दर्शकों, नाथू सिंह गुर्जर इंकलाब विकास दल एक राजनीतिक पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो दर्शकों, आज हम नाथू सिंह गुर्जर के जीवन सफर और उनकी राजनीतिक यात्रा पर बात करेंगे, जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें और उनका जो एक लंबा सफर राजनीति के क्षेत्र में रहा है, उन सब तमाम बातों पर आपसे बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं नाथू सिंह गुर्जर साहब से। गुर्जर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं कैसे? मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया। मैं और अच्छा हूँ। आप एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं? हाँ जी, इंकलाब विकास दल। इंकलाब विकास दल के नाम से पार्टी जी। तो आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं? बेसिकली वैसे मेरा गांव सुकांड है, भिंड जिला है जी, मध्य प्रदेश में वो पड़ता है। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं? हाँ जी हाँ, ग्वालियर में भी हमारे मकान हैं। दो ग्वालियर में मकान है? हाँ, बच्चे हमारे ग्वालियर ही रहते हैं। तो आपका बचपन गांव में ही गुजरा? बचपन गांव में ही रहे जी। हमारा बचपन तो गांव से शुरू हुआ। तो आपकी एजुकेशन पढ़ाई गांव में ही? तो कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? हमने वही हायर सेकेंडरी। हाई सेकेंडरी जी। हायर सेकेंडरी आपके यहाँ टेंथ को बोलते हैं, ट्वेल्थ को? ग्यारहवीं को बोलते थे। अच्छा, ग्यारहवीं को बोलते थे। ओके। तो आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है जी, वो आपकी एज क्या है अभी थोड़ा सा मुझे बताएंगे? मेरी एज 70 साल के लगभग ही है। 70 साल के लगभग है? हाँ। तो 70 साल पहले की अगर मैं बात करूँ या 60 साल 65 साल की जी, तो उस टाइम गांव की स्थिति और देश की स्थिति इतनी बढ़िया नहीं थी। तो गांव में पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी कैसी थी? गांव में जो 70 साल या 65 साल पहले का जो समय था जी, उस समय गांव में बड़ा अच्छा भाईचारा था, एक दूसरे की मदद करते थे लोग और बड़े प्यार प्रेम थे, आपस में तालमेल था जी। और जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे परिवार बिखरते गए। हर समाज में, गुर्जर समाज हो या कोई दूसरा समाज हो, सब में सामूहिक परिवार होते थे। सामूहिक परिवार होते थे, उनमें बड़ी एकता थी, कोई भी बड़ा काम करते थे तो सब मिलजुल के। आपके जो फादर थे जी जी, या दादा जो थे, वो क्या काम करते थे? मेरे पिताजी का नाम था रुस्तम सिंह, वो किसान थे। किसान परिवार से आप आते हैं? जी जी। तो कितने भाई बहन आप रहे? मैं सबसे बड़ा हूँ जी, और मेरे दो भाई छोटे हैं। दो भाई छोटे हैं जी। बहनें भी हैं? एक बहन है। तो भाई भी सब एग्रीकल्चर से ही एसोसिएट? सब किसान ही थे। किसान हैं? हाँ। तो आप जब 11वीं आपने कर ली हायर सेकेंडरी जी, तो उसके बाद आपने क्या काम किया, किस प्रोफेशन में आप गए? उस समय पहलवानी का शौक ज्यादा था हमारे गुजरों में जी, दूध पीना, कुश्ती लड़ना। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा गांव था, बड़ा वहाँ खड़ा होता था जी, तो वहाँ उधर जाते थे दौड़ लगाने, जोड़ करने। कुश्ती का शौक लग गया तो पिताजी को भी शौक था, बढ़िया खिलाया पिलाया। हमारे बाबा जी को शौक था, बाबा जी हमारे बड़े बोहरे के नाम से अच्छा था खासा। बोहरे उनको बोलते थे? बोहरे, हरपाल सिंह बोहरे जी। तो ठीक ठाक था, जिम्मेदारी ठीक ठाक थी जी। शौक लग गया तो बस मैं कुश्ती लड़ने लगा जी। 24 साल की उम्र मेरी थी तो मेरे पिताजी और चाचा जी गुजर गए। 24 साल की उम्र में आपके फादर और चाचा जी? जी। और जब 16 साल की उम्र थी तब माँ गुजर गई आपकी जी। और 24 साल की उम्र में मेरे पिताजी दो भाई थे जी, तो दोनों भाई 1 साल में ही गुजरे। बीमार थे या कैसे, क्या प्रॉब्लम थी? बीमारी ऐसी कुछ बीमारी भी नहीं थी जी, तो आ गया टाइम उनका, मतलब नेचुरल डेथ हुई उनकी। हाँ, नेचुरल जी। 24 साल के बाद फिर जब गुजर गए तो पूरे परिवार का, घर का भार मेरे ऊपर आ गया जी। भाई छोटे थे तो शादी मैंने की भाइयों की,
मेरी बहन की शादी हमारे पिताजी कर गए थे और मेरी शादी पिताजी कर गए। अच्छा, एक आपकी बड़ी बहन थी वो छोटी थी? बड़ी थी। बड़ी थी, हाँ जी। तो उनकी तो पिताजी कर गए और माताजी के सामने हो गई थी, और मेरी भी शादी माताजी और पिताजी के सामने हो गई। आपकी छोटी उम्र में शादी? छोटी उम्र में हो गई मेरी जी। उम्र जो 13-14 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद जो है माँ गुजर गई, उसके बाद पिताजी गुजर गए, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा था कि मैं क्या करूं जी। नई उम्र थी, सारा काम पिताजी करते थे, मिलना जुलना जो भी लेना देना वो होता ही है ऐसा जी। तो अब जब वो गुजर गए तो फिर मेरे ऊपर आ गया, व्यवहार अच्छा था, मेल मिलाप अच्छे थे, तो भाइयों की शादी भी हो गई। मैं दोनों भाइयों की शादी मैंने करी, तो हमारे आज भी हम तीन भाई हैं, बहुत बड़ा प्रेम है, सारी एरिया जानती है, हमारा सारा गांव जानता है जी। आज तक मेरे भाइयों ने मेरे को टोका नहीं, कहाँ जाते हो, कभी भी कुछ करने नहीं दिया जी। वो पिताजी के सामने के ही नौकर थे, अभी वो जिंदा है जी। उसके 10 बीघा जमीन हमारे वो हरजन था वो ऐसी का, और 10 बीघा जमीन का पट्टा हो गया, उसके कोई संतान नहीं थी, तो हम मेरे छोटे भाई के बच्चे को गोद ले लिया जी। 10 बीघा जमीन उसी को दे दी। अच्छा, पट्टा भी उसने आपके भाई के बेटे को दे दिया? हाँ, कोई है ही नहीं उसके जी। वो तो घर का परिवार का सदस्य बन गया, अभी है जिंदा। तो वो बहुत ही ऐसा एक मिलनसार आदमी है, पूरे घर का काम घर की तरह करता जी। तो जब आपने भाइयों की शादी कर दी और सारी व्यवस्थाएं चलने लगी, फिर आगे का सफर कैसे? आप किसी मतलब खेती से एसोसिएट रहे या कोई बिजनेस किया क्या? नहीं, मैं जमीन से जी, किसान ही थी, किसान। तो राजनीति की तरफ कैसे आए आप, राजनीति में कैसे आना हुआ? राजनीति की तरफ उस समय हमारे मध्य प्रदेश ग्वालियर में अटल बिहारी का नाम सुना, वाजपेयी जी का जी, वो तो देश के प्रधानमंत्री रहे, वो हमारे ग्वालियर से थे। तो जनसंघ का काम था, जनसंघ का RSS और जनसंघ था जी। तो ये लोग जो साकर लगाते थे, वो कुछ नए नौजवान लड़कों से मिलते थे जी, वो गांव में आते थे, बोलते थे कि अटल बिहारी बहुत अच्छे नेता हैं और उनसे हम आपको मिलवाएंगे, बात करवाएंगे आपकी, और आप जो है आ जाओ उनके साथ। तो मेरे को असल में तो ना ज़्यादा ज्ञान नहीं था। कौन से सन की बात होंगी, कितनी पुरानी बातें हैं ये? तो काफ़ी, अब कितना समय गुजर गया इसको, तो कम से कम 30-35 साल पहले की बात है। मतलब ये आपकी सन 70 के आसपास की बातें हैं या उसके बाद की? सन 70 से पहले की है। सन 70 से पहले की बात है? हाँ जी। तो जो अटल बिहारी जी हमारे यहाँ जो आना जाना था उनका भिंड जिले में जी, उनके कार्यक्रम होते थे तो हमको जो है बुलाते थे, हम जब चले जाते थे। तो अटल बिहारी बताते हैं लोग बाग, वैसे हमें भी जाता नॉलेज था, वो भांग खाते थे जी, भांग घोंटते थे और वो गोला बना खा के और फिर बोलते थे। तो ऐसे नुक्कड़ मीटिंग करते थे, कुछ लोग जैसे 8 बजे लगते थे ना, उनमें इकट्ठे हो जाते हैं जी। तो वहाँ ऐसे लोगों को देखते थे, यहाँ इकट्ठे हैं तो मैं अपनी बात सुनाऊँ, वहीं वो 10-5 लड़कियों को बुला लिया और वो उनने अपनी भाषणबाजी शुरू कर दी। और जब वो सारे लोग चले जाते हैं, हम उनसे कहते थे अटल बिहारी जी जो है यहाँ तो कोई नहीं है, सब लोग चले गए, अब समापन कर दो। तो बोलते थे कि वो दीवार भी सुनती है, अटल बिहारी बोल रहा है, देश का प्रधानमंत्री बनना है भाई। ये बात उनकी उस दौर में थी कि जी देश का प्रधानमंत्री बनना है। तो हम लोग मजाक समझते थे जी, वो ब्राह्मण गालियाँ देते थे उनके समाज के लोग। इंदिरा गांधी का जमाना था जी, तो इंदिरा गांधी को वो अटल बिहारी को बोलते थे कि ये जो राजमाता सिंधिया हैं ग्वालियर की, उनसे उनकी इंदिरा गांधी था उनका, इंदिरा गांधी का जी। तो बोलते थे वह राजमाता सिंधिया ने इनको खड़ा कर दिया वोट काटने के लिए जी।
अब धीरे धीरे वो जो है बहुत बड़े नेता बन गए, सरकार भी बनी मध्य प्रदेश में, सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश से सांसद बने, अरे चलते चलते वो प्रधानमंत्री भी बने, तेरा देश के प्रधानमंत्री बने। तो आपकी मुलाकात हुई उसके बाद? नहीं ना हुई, मेरी हुई मुलाकात। हाँ, मिलते थे आपसे? हाँ, जानते थे मेरे को। तो फिर आपको कुछ, अब मैं एक बात बताऊं जी उसको जो है जोड़ना मत वैसे है नहीं, नहीं बताइए आप जोड़ना। हाँ, क्या है? अटल बिहारी जी से मैं मिलने गया जी दिल्ली, बीमार थे वो जी, तो मैंने कहा मेरे को मिलना है, उनका संतरी था, तो बोले अब तो वो पहचानते ही नहीं किसी को, याददाश्त चली गई उनकी जी। मैंने फिर भी यार जो है हम साथ रहे उनके, तो बोले कोई बात नहीं है, माताजी हैं उनसे मिल लो आप, और वैसे आप उनको जो है देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तो मेरे को बुला लिया उनने। तो ये तो 2007-08 के आसपास की बात होंगी। हाँ हाँ, तो मैं गया वहाँ, तो अब मेरा तो पहले दिमाग में ही वो है कन्फ्यूजन हो गया, माता जी अटल बिहारी की तो बहुत पहले मर गई, ये माता जी कौन सी हैं? तो मैं गया तो वो थी वहाँ, मिला मैंने उनको, कुछ पूछा ही नहीं। जब मैं मिल मिलू के वहाँ से आया बाहर, तो मेरे साथ में जो लोग थे तो मैंने उनको बोला, तो बोले मैंने जी ये कौन है? तो बोले ये कौन क्या जी, सारी देख रहे जो है अटल बिहारी जी की जय करती हैं, अब ये मान लो पत्नी मान लो कुछ भी मान जी। तो मैंने कहा चलो, उनकी लड़की भी थी, उसने जो है उनका दाह संस्कार किया था जी। ओ दत्तक पुत्री मानते थे उनको, बेटी उन्हीं की थी या वो वैसे असल में बेटी उनकी थी जी, अब वैसे शादी नहीं थी लेकिन तरह की शादी ही थी वो जी। तो अब बड़े लोग हैं तो लोग वैसी बातें जो है थोड़ा दबा देते हैं। फिर आप जब हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम कर रहे थे ग्वालियर संभाग में, हाँ। तो उसके बाद फिर आपका आगे का सफर कैसे रहा? आप वहाँ बीजेपी के और जनसंघ के साथ ही काम करते रहे? मैं बता रहा हूँ, ये कहते कुछ थे जी, कथनियों करनी में फर्क था इनका जी। कहते थे हिंदू मतलब हम हिंदुत्व को जो है जो सारे हिंदू लोगों को इकट्ठा करेंगे, हिंदुत्व की बात करते थे, लेकिन अंदर खाने में कुछ अलग था जी। जब इनकी मीटिंग अलग होती थी ना, गोपनीय मीटिंग, तो इनकी बातें अलग थी। आप भी रहते थे उस मीटिंग में? हाँ, कभी कभार अंजाने में जी। वो तो पहले अपने सामाजिक मीटिंग करते थे, तो कभी कभार भूल में कोई आ जाए जी, कोई पानी पिलाने के बहाने से या कोई और काम के बहाने से, उन्हें तो वो अपने समाज की मीटिंग करते थे। और तो एक भोपाल में मीटिंग थी, उस समय मैं गया तो कुछ बातें ऐसी थी, तो मैंने उसी दिन जो है अपने आप को जो अलग कर लिया जी, मैंने ये इतना अलग कर लिया कि आज के बाद एक सेकंड भी जो है इनके साथ नहीं रहूँगा, अगर रहूँगा तो मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, ये तो बहुत बड़ा अन्याय करने वाले। ऐसी कुछ बात आप बताना चाहेंगे? अरे आरएसएस का खुला एजेंडा है, वो तो दुनिया जान रही है जी। वो लोगों को हिंदू के नाम पे इकट्ठा करते हैं, और जब वो वोट पड़ते हैं तब सब हिंदू बना लेते हैं, वो सबको हिंदू बना लेते हैं, और जब नौकरी फैक्ट्री रिजर्वेशन की बात आती है, संवैधानिक जो बातें आती हैं, तो फिर जो है वो जाति के दायरे में खड़ा कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हो, जब ये लड़कियां पहलवान थी, मेडल लाती थी, तो जो देश का गौरव थी जी, जो आज जो इनकी जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है पहलवान लड़कियों को, तो देश का गौरव थी। जब इनने आरोप लगाया जो इनके मंत्री पर लगाया ब्रजभूषण सिंह पे, इतना जो घटिया आरोप है, मंत्री वैसे शर्मदार होता तो खुद ही हट जाता, या योगी जी शर्म थोड़ी बहुत होती तो हटा देते, लेकिन शर्म नाम की थी नहीं है, नैतिकता नाम की थी नहीं है। लेकिन लड़की तो सांसद है तो योगी जी का तो उसमें नहीं है, वो तो सांसद है तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देखेगी। हाँ, तो लेकिन लोगों का कहना ये है कि भाई
अगर ये जो लड़की वहाँ पहलवान बैठी हुई है धरने प्रदर्शन पर, जी जी, तो वो जो आरोप लगा रही हैं, तो उस आरोप में और जो आपके ये सांसद हैं जिन पर वो आरोप लगा है, उन दोनों की जांच चल रही है कि भाई जांच में वास्तविक दोषी है कौन, क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और वहाँ कोई निर्दोष आदमी, ये क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है तो कुछ निर्दोष आदमी गलत नहीं फंसना चाहिए, ऐसा उन लोगों का कहना है। देखो, जांच माने इस देश में टालना, जी किसी चीज को टालना है ना, तो जांच उसकी जांच कराई जाएगी। नहीं नहीं, सही बात है जी, अगर वो कोई निर्णय नहीं करना है, जो लड़कियां जो है प्रूफ दिखा रही हैं, ठोस जो है प्रूफ है उनके पास, और खुद लड़कियां हैं वो मुंह से बता रही हैं, तो इससे ज़्यादा जो है अब किसके बात की जांच होगी। चलो, वो तो अभी लोग उठ गए हैं, हम लोग आप पर ही आते हैं क्योंकि विषय दूसरी तरफ चला जाएगा। तो जब आप अटल बिहारी वाजपेयी की मीटिंग ने आप देखी और आपको लगा कि भाई ये जो इनका एजेंडा है वो सही नहीं है, तो उसके बाद फिर आपका कारवां आगे कैसे बढ़ा, आप फिर कहाँ कैसे आपने क्या स्टार्टिंग की? वो तो स्टार्टिंग जी थी आपका, मेरा जो जो सवाल था आपका उसी को लेकर मैंने ये एक उदाहरण के तौर पर बताया है कि इनकी कथनी करनी में फर्क है। सही कह रहे हैं, इसलिए मतलब मेरे को लगा कि ये जो हिंदू की बात करते हैं और बात कुछ अलग है इनकी, जी ठीक है ना, जी जी, तो वो मेरे को अंदर से पता लग गई। ठीक है, तो मैंने समझ लिया कि ये जो है ना मेरे हित में है, ना एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो देश के लोग हैं इनके हित में नहीं है, नहीं है जी, इनसे अलग हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर एक आध साल में जो है बैठा रहा और उसके बाद कांशीराम जी ने काम शुरू कर दिया जी, तो वहाँ के जो इनके कार्यकर्ता थे इनके समाज के लड़के, तो उनने मेरे कांशीराम जी से मुलाकात करा दी। कांशीराम जी ने जब मेरी बात हुई तो उनने ये कहा कि इस देश में संविधान की जो हिस्सेदारी है जी, इस देश में संविधान में चार वर्ग हैं जी, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अपर कास्ट सामान्य वर्ग, तो इनकी संख्या अनुपात अलग अलग है, 15% जो है एससी है, 7.5% इस देश में एसटी है, 52% ओबीसी है, 15% अपर कास्ट है और 11% धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं। ये सरकारी आंकड़ा, सरकार का सर्वे है, उसके आधार पर ये आंकड़ा। ओबीसी कितने हैं? 52% है। अब तो कोई जनगणना ही नहीं हो रही, वो जब जनगणना हुई थी ना जी, तब जो है तब का ये आंकड़ा। मतलब ये ओबीसी भी 52% में ही थे? 52%। अब 52% में जो है 22% लोगों को संवैधानिक अधिकार मिलते हैं जी, जमीन से लेकर आसमान तक उनकी हिस्सेदारी है जी, पंच से लेकर पार्लियामेंट तक हिस्सेदारी है। ओबीसी 52% है, इसकी आबादी 52% है, उसको संविधान में हिस्सेदारी होने के बाद मंडल कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट के बाद बड़ी मुश्किल में जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो 90 में जो है 27% रिजर्वेशन की घोषणा की गई जी, उस पर भी इनने कमंडल उठा लिया, अड़वानी वगैरह ये लोगों को जो है इसके विपरीत हो गए, देश में आग लगवा दी इनने, और जबकि वो बीपी सिंह ने बोला था शरद यादव जी से पासवान जी को कि आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो लागू करवाओगे तो आपके बंगले जलेंगे और मेरा बंगला जलेगा और प्रधानमंत्री की कुर्सी जाएगी जी, तो समय शरद यादव जी थे और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये कुर्सियाँ आने जाने वाली हैं, लेकिन जिनको संविधान का अधिकार मिला है उनको देना चाहिए। आपको भी लोग जो है ओबीसी के लोग, डॉक्टर अम्बेडकर को, एससी एसटी के लोगों को फायदा मिला तो उनको पूजते हैं, अपना उनको जो महापुरुष मानते हैं, ऐसे आप ओबीसी के लिए जो अधिकार हैं उनको आप लागू करोगे तो ओबीसी जब जागरूक हो जाएगा तो आपको भी पूजनीय मानेगा, आपको बड़ा सम्मान देगा। तो उन्होंने कहा ठीक है लाइए,
उन्होंने लागू कर दिया, लागू कर दिया तो पूरे देश में विरोध खड़ा हो गया, पूरे देश में विरोध हुआ। बड़े पैमाने पर लोग जो है मिट्टी का तेल डाल डाल के जल गए। जब अधिकार मिलना था उन किसी दूसरे का नहीं, उनका ही मिलना था तब जी, तब ये बात थी। अब जब हम दूसरे का लेंगे तब क्या बात होगी? जब संविधान बना, संविधान में तय हो गया कि आबादी के बराबर हिस्सेदारी इस देश में होगी जी। इस देश में दो तरह की व्यवस्था रही है, एक गैर बराबरी की और संविधान में व्यवस्था है वो बराबरी की जी। तो गैर बराबरी की व्यवस्था को लोग पसंद नहीं करते भाई, जिसमें ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव वाली जो व्यवस्था है उसमें उस व्यवस्था को 85% लोग पसंद नहीं करते जी। वो समानता वाली जो विचारधारा है जो संविधान में है उसको लोग पसंद करते हैं। ये लड़ाई हमारे देश में तो अब अपर कास्ट के लोग हैं वो उस व्यवस्था को लाना चाहते हैं। अपर कास्ट कितने हैं? 15% लोग, 15% है जी। तो आज का जो रिजर्वेशन है हाँ उसमें 50% में तो अपर कास्ट है, ऐसे ही है ना? हाँ। और 27% ओबीसी है जी, 15% एससी एसटी है हाँ, इसी तरीके से ही है ना जी जी। तो आपका कहना ये है कि जो देश के 15% लोग हैं हाँ, वो 50% रिजर्वेशन ले रहे हैं, वो तो कहना चाहते हैं हाँ जी, बिना रिजर्वेशन लागू किए भी ले रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ हाँ, कि अगर 15% लोग 50% रिजर्वेशन ले रहे हैं जी, तो ये जो बात है ये तो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। टोटल खिलाफ है, संविधान को मानते कहाँ हैं? तो आप एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं तो आपने अपनी इस पार्टी के आधार पर या उसके मैनिफेस्टो में ये बात, ये मोमेंट या कुछ इस तरीके की चीजें चलाई? राजनीतिक पार्टी का बनाने का ही उद्देश्य ये है जी कि इस देश को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। सवाल जो है पार्टी बनाने का हमारा जो मकसद है वो यही है। आप जब काशीराम के साथ जुड़े जी जनसंघ को छोड़कर, तो काशीराम जी के साथ कितने समय आपने काम किया? 10 साल किया। तो 10 साल में क्या क्या चीजें उन्होंने आप लोगों ने मिलकर क्या क्या मूवमेंट 10 साल में हमने ये किया कि गुर्जर बघेल कुशवा लोधी कुछ ऐसी जातियां थी नाई प्रजापत, इन कभी जो है 50 साल की आजादी में 40-45 साल और समय आजादी के हो गए होंगे तो विधानसभा नहीं देखी जी, कि विधानसभा कैसी होती है। मतलब वो ओबीसी के जो लोग थे हाँ वो विधानसभा में गए देखिए नहीं। जो मध्य प्रदेश का पहला मंत्रिमंडल बना था जी तो उसमें टोटल वो है मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के अलावा जो मंत्रिमंडल था उसमें टोटल जो है एक ही बरादरी के लोग थे, वो ब्राह्मण समाज के सारे मिनिस्टर हाँ थे। उसके बाद जब अर्जुन सिंह आए ना जी तब फिर जो है थोड़ा ये जिनको राजपूत बोलते हैं ठाकुर अर्जुन सिंह हाँ ठाकुर कह लो कुछ भी कह लो, और वो हावी हो गए अपने आप को थोड़ा, वो उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो वहाँ भी हो गए जी। तो उन्होंने थोड़ा उनको खिसकाया पीछे को और खुद जो आ गया ब्राह्मणों को जी। तो अब जो ओबीसी के लोग थे वो तो वहीं खड़े थे और पीछे चले गए। काशीराम जी ने जब पार्टी का काम शुरू किया तो ऐसे लोगों को भी मौका दिया, टिकट दिए, गुर्जर ओबीसी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग हैं जी। तो उसमें कुशवा समाज के भी विधायक बने, मेरे को भी टिकट दिया जी 93 में 94 में हाँ। तो मैंने अपना टिकट जो है एक मेरे साथ लड़का था नरेश गुर्जर, तो हमारे भिंड मध्य प्रदेश में भिंड जिले में एक महंगा विधानसभा है जी, उसमें विधायक ही नहीं बना 40 साल तक गुर्जर जी हमारे समाज का। तो वो पीड़ा थी कि हमारा कोई समाज का विधायक नहीं बना, तो मैंने उनको टिकट दे दिया। मेरा प्लान था मैं लोकसभा लड़ू, आपका विधानसभा का अपने किसी मेरा साथी लड़का साथी मेरा हाँ सी था जी, तो मैंने उसको लड़ाया और विधायक बनाया। अच्छा, वो जीत गए विधायक बन गए। और बगल की हमारी विधानसभा थी गोवध की, उससे चतुरलाल बराजिया जीत गए जी, और मुरैना में इधर सिंह कंसाना जीत गए जी, सोनेलाल कुशवा जोड़ा जीत गए 11। ये कौन सी पार्टी से लड़े थे? बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी से जी जी। जब
तो बहुजन समाज पार्टी से जो है ये लोग लड़ाए काशीराम जी। हाँ, काशीराम जी और उस समय रामवीर सिंह भदौड़ी जी जी, उसके बाद आए रामवीर सिंह भदौड़ी तो प्रदेश अध्यक्ष रहे ना दिल्ली नहीं, प्रदेश के जो है राष्ट्रीय कमेटी में रहे महासचिव। अच्छा राष्ट्रीय, लेकिन इनको लेके मायावती और काशीराम में जी झगड़ा हो गया। मायावती नहीं चाहती थी कि युवा रामवीर भदौड़ी राष्ट्रीय महासचिव रहे। क्यों? उसका प्लान था कुछ जो है पार्टी पर कब्जा करने का, उसे पता था ये गुजर है और दिल्ली गए हैं, ये तो वैसे ही जो है बादशाह हैं, अगर रामवीर भदौड़ी रहेंगे तो काशीराम का बाल टेढ़ा कौन करेगा फिर, समझ रहे हैं? वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहती थी। हाँ, तो ऑटोमेटिक जो है सुरक्षा मिल गई, यहाँ गुजर आ गया तो वो सुरक्षा मिल गई उसको जी, ठीक है ना जी। तो उनका कुछ और प्लान था उनको निपटाने का, बीएसपी पे कब्जा करने का मायावती का जी, तो वो चाहती थी जिनको किनारा करो। तो जब विधानसभा में ओबीसी के लोग आ गए, हाँ, आपका प्लान लोकसभा का था जी जी, तो फिर आगे लोकसभा के जब चुनाव आए जी जी, तो उस दौरान फिर आप कैसे लोकसभा आगे जब टिकट जो आया मौका आया टिकटों का जी, तो वो जिसको हमने विधायक बनाया वो ही सामने खड़ा हो गया। अच्छा, वो काशीराम जी से सामने आमने सामने आपके, उसने बोला साहब मेरे को, मैं विधायक हूँ मुझे टिकट दो, मैं सीट निकालूंगा जी। तो मुझे को लगा कि भैया अब तो अटक ही पड़ जाता है तो अच्छा है, मेरे ये कैसा लड़का है जिसको मैंने विधायक बनाया बोलना सिखाया जी, और वो जो है ये कह रहा है कि मेरे को सब है लोकसभा टिकट दो साहब। मैंने बोला भी तो विधायक ही बना रहा, तेरे बाप दादा को पंच ना बने पंचायत में, तो तुझे विधायक बनाया मैंने, तो अब तो जो है ये इतना बड़ा ख्वाब बन दे है। फिर क्या हुआ? वो नहीं माना, फिर लड़ा वो लोकसभा? नहीं, उसको भी नहीं मिला। अच्छा, वो तो काशीराम जी ने बोल दिया जी, काशीराम ने बोला कि तुम इतने अच्छे आदमी है और तू विधायक बन गया है तो क्यों मांग रहा टिकट। तो वो नहीं माना, वहां में थोड़े और कोई गुट था जी, उनकी जी, चाल थी कि गुजरों के खाते में ये लोकसभा टिकट नहीं चला जाए। तो जब हम वो मांगने लगा तो फिर काशीराम जो जी दोनों लड़ रहे हैं, तो फिर कुशवाहा को दे दिया, काफी कुशवाहा को, कुशवाहा को दे दिया। तो कुशवाहा फिर बने? नहीं नहीं, कुशवाहा को हटवाया फिर हमने। हाँ, फिर हमने कहा नहीं, जब टिकट जो है तुमने हमारा नहीं हमें नहीं दिया ना, तो फिर जो हम नहीं काम करेंगे हम। तो साहब ने बोला कि नहीं ऐसा मुरे ना कर लेना, भंड मत करना जी, अब तुम्हारा ही लड़का नहीं मान रहा वो। मैंने, लड़का क्या करेगा, उसको टिकट नहीं देते। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती ऐसी हैं कि जब एक बार किसी को वो मिल जाता है ना, तो फिर वो उसको हड्डी वाली जैसी पोजीशन होती है, उसको चूसना ही चूसना है। तो वो ऐसे ही जो है फिर हम काशीराम जी से भी अलग हो गए। फिर अलग होने के बाद क्या हुआ? फिर हमने कहा मुलायम सिंह जी पहुंच गए ग्वालियर जी, मुलायम सिंह जी ने अपनी पार्टी ज्वाइन करा दी आपको। हाँ, समाजवादी जी। तो मेरे को लग नहीं रहा था कि मध्य प्रदेश में यहाँ कामयाब हो जाएगी या चलेगी जी, फिर भी मैं कोशिश करी एक आध साल जी, लेकिन वहाँ जो है मामला जमा नहीं जी। मेरे दिमाग में आया इससे तो बढ़िया था हमारी अपनी पार्टी बना लें जी, जब पैसों को हम लगा रहे हैं, गाड़ी घोड़ा अपने हम लगाएंगे, टाइम हम लगाएंगे, तो तुम्हारे झंडे क्यों उठाए हम जी, इससे बढ़िया था हम अपनी पार्टी बनाएंगे जी। दिमाग में भी था यार पार्टी जरूरत भी है, तो ऐसे ही है तो हिम्मत का काम, लोग तो मना कर रहे थे जी पार्टी मत बनाओ, लेकिन फिर भी ऐसा था मेरा दिमाग ऐसा हो गया कि नहीं यार गुलामी बहुत कर ली, अब दरी दूसरे की बहुत बिछाई होके भर भर के पिलाए, लेकिन जब मिलने की बात आई मान सम्मान की आई तो सब जो है पीछे को मुंह मेड़ गए, किसी ने जो है सहारा नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया जी, जो हमारा बनता था वो भी नहीं दिया। तो मैंने चलो कोई बात नहीं है तो कुर्बानी, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई ना कोई तो कुर्बानी देना चाहिए देगा, तो बस ऐसे करके मेरा विचार आया। लोगों मेरे दोस्त थे उनसे सलाम सलवा करके फिर मैं दिल्ली आ गया, जो है ये भाई बता रहे थे ना सुनील के यहाँ जी जी जी, तो मैंने कहा ये लड़के बैठते थे यहाँ
सुनने लगे यहाँ दस बीस लड़के बैठते थे, अभी भी बैठते हैं। उन्होंने उनसे कहा मैं पार्टी बनाना आया, तो ये लड़के सारे बोले बना दो बना। तो मैंने उसमें मेंबर बनना पड़ेगा सदस्य, मामा जो 110 जो है एफिडेविट लगेंगे तब पार्टी रजिस्ट्रेशन होगा जी। बोले हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत है अपनी। तो काफ़ी आगे भी हैं, सबसे ज़्यादा इंकलाब विकास दल पार्टी में फाउंडेशन मेंबर हैं वो गामड़ी के हैं, गामड़ी दिल्ली से। हाँ, गामड़ी दिल्ली से जी। और बाकी फिर जो है मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, वो चार पांच राज्यों के होते हैं ना जी जी जी, राष्ट्र वो है, थोड़े थोड़े सब जगह के हैं, लेकिन ज्यादा हमारे जो है दिल्ली प्रदेश के गांवड़ी गांव से हैं। इसी एरिया। पार्टी कौन से ईयर में बनी है आपकी? 2005 में आपने पार्टी बनाई जी। तो अभी पार्टी को आपकी को लगभग 18 साल का समय हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, पार्टी तो जवान हो गई आपकी। पार्टी तो जवान हो गई, लेकिन हम बूढ़े हो रहे हैं बात जी ना। पार्टी जवान होगी, आप बूढ़े हो गए। तो 2005 के बाद 2007 विधानसभा, 2012 है, 2017, 2022, चार पांच टर्म जो है निकले हैं, ये तो यूपी के हैं खैर, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में ये लगभग 18 साल में आप लगा लीजिए, चार बार तो चुनाव हुए ही है विधानसभा। हमारे संत थे, संत जो है सेवावीर बघेल जी, वो ये कहते थे ज्यादातर लोग जो है नोट की गिनती करते हैं जी, समाज को किसी ने गिना ही नहीं जी। देखा समाज को, जो समाज की संख्या कितनी है। तो उनने मेरे को उनका सुझाव था कि तुम पहले समाज की गिनती करो जी। तो मैंने जब निकला ना, तो पहले तो कुछ लोगों ने कहा कि गामड़ी में गुजर ही नहीं है ये, यहाँ दिल्ली में गुजर ही नहीं है। हाँ। ये जिनको जानकारी ही नहीं जी। मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ पूछा तो बोले यहाँ दिल्ली में तो पूरी ही गुजर है जी। अब मैंने कहा यहाँ आ गया तो मैंने कौन से गोत्र के गुजर है, यहाँ डेढ़ या कुछ मध्य प्रदेश इधर उधर में कहूँ ना, डेढ़ गोत्र के गुजर हैं दिल्ली में, उनके 24 गाँव हैं, वो बहुत बड़ी व्यवस्था है उनकी, चर्चा होती है जी 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 जी। तो बोले कहा डेढ़ गोत्र तो हमने सुना ही नहीं कभी। हाँ, हमने नहीं सुना डेढ़ गोत्र के गुजर। फिर यहाँ मैंने मीटिंग कराई, फिर जो है राजस्थान के मध्य प्रदेश के इधर उधर के लोग आए ना, तो फिर जानकारी हो गई। अब तो हमारे गांव की लड़की डेढ़ गोत्र गुजर में भी आई, जागरूकता आ जाती है, पता चल जाती है, तो चीजें पता लग गया ना। तो कॉन्टेक्ट खत्म था पूरे भारत में, जो हमारा कॉन्टेक्ट था ना वो खत्म था, पहचान खत्म थी। दूसरा प्लान ये था कि जैसे हिंदू गुजर, मुसलमान, सिख गुजर, गुजर एक ऐसी जाति है सारे धर्मों में है जी। अब लड़ाई हो गई, ये आएगा दाढ़ी रखा के उधर से, मस्जिद में जाते हैं ना तो दाढ़ी रखाए तो मुसलमान है, हम लगाए तिलक और मस्जिद में आ रही लड़ाई। वो जो लड़ाई करवा रहा वो जो दस हाथ पीछे खड़ो तमाशो देख रहा हो ना, वो थोड़ी लड़ेगा। अब हमें समझ रहे हैं कि जे जो है मुसलमान है, वह समझ रहे हैं जे हिंदू है, तो हम लड़ गए, आप तो समझ मर गए, बिना कॉन्टेक्ट के, बिना पहचान के भाई भाई मर गए। कई बार ऐसा हुआ। अब जब से हमने जम्मू कश्मीर में जाना शुरू किया, तो हमारे दर के गुजरों में भी वो भय था ना, अरे वहाँ तो बम के गोला फूट जाते हैं, मिलिटेंट घूमते हैं, आतंकवादी घूमते हैं, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब अफवाहें। हम वहाँ गए, कोई कुछ नहीं है वहाँ, कोई मैटर नहीं। ये लड़की ब्राह्मण है, ये गुजर है, मुसलमान है जी, बिल्कुल कुछ नहीं है वहाँ। जो होता है ना जी, ये जी। सब राजनीति का खेल है बिल्कुल। हाँ, नाथो सिंह गुजर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंकलाब विकास दल के, तो आपकी पार्टी कितने प्रदेशों में आपकी संगठन है, जो बॉडी बनी हुई है आपकी? भाई हम तो ऐसे आदमी हैं, शुद्ध किसान आदमी, हम तो उंगलियों से गिना दें जी, क्योंकि हम तो पैदल चल के गाँव गाँव जाते हैं, और मीडिया फीडिया हमारे हमारे पास है नहीं ना, इतना बहुत बड़ा धन हमारे पास है, तो भैया मैंने कि अमित शाह की तरह हम मीडिया को खरीद लें, इलेक्शन कमीशन को खरीद, पार्टी का संगठन कहाँ कहाँ खड़ा हुआ? हाँ, तो हम गिना रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, और आपका वो झारखंड, हमारा संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष है हम जी, मान जो हमारा अच्छा काम है, बिहार में भी हमारा संगठन है,
यूपी में हमारा अच्छा संगठन है, उत्तराखंड में हमारा संगठन है, और जा वो तुम्हारा जी हिमाचल में भी हमारा संगठन है, चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में तो हमने 21 पास लड़ाई, लोकसभा भी लड़ाई है जी। और हमने 2009 में अमरोहा लोकसभा लड़ाई, सुमन पाल जी, वो यूपी में, यहाँ से कवर सिंह तंवर जो है सांसद बने थे। तो अब उसके बाद जो है हमारा हरियाणा में भी है, दिल्ली में तो है ही है, यहाँ तो पार्टी यहाँ से जन्म ही हुआ गामड़ी से जी जी जी। तो दिल्ली में भी आपने लगभग 8-10 स्टेट गिना दिए कि भाई हमारे यहाँ सब जगह संगठन खड़ा है, पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। 2005 से और 2023, 18 साल का एक लंबा टेन्योर होता है, ऐसा क्या कारण रहा कि आप लोग अपनी पार्टी से एमएलए एमपी या पार्षद या ब्लॉक प्रमुख या कोई ऐसा कोई चुनाव निकाल नहीं पाए, इसका क्या रीजन समझते हैं? इसका कोई रीजन नहीं है जी, हमारे लोग जंगलों में रहे जी, या हमारे लोग जो है युद्ध होता था तलवार से, बंदूक से, तलवार से, भाला से, तब जा दिल्ली पे, और दिल्ली के पूरे जो है देश के बहुत बड़े भूभाग के सम्राट थे। अभी लड़ाई चल रही गुर्जर प्रत्याश सम्राट मीर भोजप सिंह नाम पे जी, अब लड़ाई चल रही है। और जब हमने वहाँ स्टैचू लगवाया ग्वालियर में, उससे पहले जो लड़ाई कर रहे हैं, तब भाई हमने तो सुना नहीं राजपूतों ने कहीं जो है नाम भी लिया हो, लिया कहीं, कहीं नहीं लिया। जब हमने उनकी स्टैचू लगाना शुरू कर दी, हमने कहा जी हमारे सम्राट हैं, तो उनने विरोध शुरू कर दिया जी। और ये हकीकत है, प्रमाणित है, ऐतिहासिक बात है, गुर्जर हैं, गुर्जर उन शिलालेख हैं, उनने खुद जो है अपने आप को गुर्जर घोषित किया है। चलो वो तो ठीक है, मेरा मूल प्रश्न आपसे ये है कि 18 साल में आपकी पार्टी, 18 साल में हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य यह है कि हमारा समाज भोला भाला है, राजनीति में जीरो है, जैसे यादव है, और एसटी में जो है जाटव समाज है, अपर कास्ट में ब्राह्मण समाज है, बनिया समाज है, ये राजपूत समाज है, ये समाज एडवांस समाज है, ये राजनीति में जानते हैं कि पार्टी क्या चीज होती है और निशान की राजनीति क्या होती है, लीडरशिप में क्या होता है, ये सारी चीज़ जानते हैं, हमारे लोग नहीं जानते। तो आप 18 साल में आपने जो अपना कैडर खड़ा किया होगा, मेंबर्स बनाए होंगे, लोगों में जागरूकता पैदा की होगी, तो अभी क्या पोजीशन है? नहीं, हमारा देखो प्लान ये है कि हम इसको बहुत बड़ी पार्टी बनाने वाले हैं जी। क्यों बनाने वाले हैं? कि हम हर प्रदेश में हैं जी, हर प्रदेश में, देश के जितने प्रदेश हैं उनमें सब में हम हैं। तो हम छोटी पार्टी को बना, सीट जीत जाए, सीट कोई बड़ी मायने नहीं रखती, सीट है तो जीतते ही, सब जीतेंगे गाजो तो पूरा हमारा ही होगा सब जी। अभी हम तैयारी कर रहे हैं ना, लोगों को समझा रहे हैं, जगा रहे हैं, जिस दिन जो जागेगा ना। 18 साल आपने जन जागरण का ही काम किया। हाँ, इनका जमीर जगा रहे हैं, जो स्वाभिमान इनका पहले था वो जो है इनके अंदर पैदा हो जाएगा, तो फिर तो यही सम्राट बनेंगे, यही राजा बनेंगे, इनके सामने कौन लड़ेगा, ये हकीकत है। अभी इनको पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। पार्टी जो बनती हैं, जो चलती हैं, और पब्लिक डोमेन में जब आप अपने एमएलए एमपी खड़े करते हैं, तो सर्व समाज के लोगों को ही साथ लेकर चलना पड़ता है। बिल्कुल, न्यायकारी हम तो जो है वैसे भी गुर्जर समाज न्यायकारी रहा है जी। गुर्जर समाज अकेला भी गुर्जर का लड़का होगा ना बस में भी, और वाल्मीकि की लड़की के संग जो है कोई अन्याय कर रहा हो, वहां से कोई पहचान नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, और वहां के साथ में अगर कोई अन्याय कर रहा हो, छीना झपटी कर रहा हो, तो गुर्जर का लड़का बर्दाश्त नहीं करेगा, पूरी बस तमाशा देगा कि गुर्जर का लड़का वहां खड़े होकर पहुंच जाएगा। ये हमारे खून में है, तो ये वहां पहुंच जाएगा, क्यों भाई इसके साथ में क्यों अन्याय कर रहा है। तो ये न्यायकारी कौम रही है, ये तखरी पे तोले के न्याय करेगी, जितनी जितनी हिस्सेदारी है उतनी हिस्सेदारी उसको मिलेगी, हमें दूसरे की हिस्सेदारी नहीं चाहिए जी। हमारी जो आबादी है वो ईमानदारी से हमें चाहिए, और राजी प्रजापति कुमार कुमार जिनकी जो बनती है वो हम खड़े होकर दलवाएंगे जी। वो
वो हमें दिलवाएंगे, हम उनको दिलवाएंगे। तो आपने 18 साल के अंदर कोई मूवमेंट, कोई धरना प्रदर्शन, कोई पार्टी का एजेंडा, कुछ ना कुछ कुछ ऐसे कुछ किए आंदोलन? हाँ, जंतर मंतर पे किए हैं हमने। पटेल साहब की जयंतियां मनाई है, हरिद्वार में भी मनाई है, सहारनपुर मनाई है, जंतर मंतर पे मनाई है, आंदोलन भी करे हैं। ओ, ये जो काम होते हैं ना, ये देश में तीन प्रकार की लड़ाई है जी लोकतंत्र में। कुछ है जो है लोग जो है जो जिनकी कुछ बातें होती हैं, समस्या होती है, उनको लेके आंदोलन करते हैं, वो रोड की लड़ाई है। रोड पर खड़े होकर चल जाते हैं, रोड पर आंदोलन करते हैं, तो रोड की लड़ाई नंबर वन। रोड पर वो जो है उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो फिर कोर्ट जाते हैं वो। जब कोर्ट में वो न्याय नहीं मिलता है तो फिर कहाँ जाए वो? अब वो दूसरे लोग हैं जिन्हें ना रोड की लड़ाई लड़ी ना कोर्ट की लड़ाई लड़ी, उनने लड़ाई लड़ी वोट की, तो वो सिंहासन में बैठे हैं, इस देश के मालिक हैं, इनकी हुकूमत है, तो उन्हें कोई लड़ाई की जरूरत नहीं। और जो लोग रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें कोई न्याय नहीं मिला आज तक, वो कोर्ट की लड़ाई लड़ी, अब हमें लड़नी है लड़ाई वोट की। जो वोट की लड़ाई है ना वो लड़नी है। तब वोट की लड़ाई की आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ, वोट की लड़ाई, वोट की लड़ाई से ही इनको चोट लगेगी जी। जिन्हें हमारा हक नहीं दिया है वो इनको जो है वो ही लोग जिनके जो है वोट की चोट देंगे ना, क्योंकि पहले हमारे पास पार्टियां नहीं थी, हमारे पास झंडा नहीं थे, हमारे पास निशान नहीं थे, तो हम मजबूरी में हमारे लोग इनके साथ रहते थे। अब कोई मजबूरी नहीं है, अब SC के लोगों की भी बहुत पार्टियां हैं। मध्य प्रदेश में 12 पार्टियों का गठबंधन किया है, हमारा एक मोर्चा है जी, उसमें अपनी सरकार बनाओ संविधान बचाओ मोर्चा उसका नाम है, उसमें 12 पार्टियां हैं। हम 12 पार्टियां मिलकर सब जो है हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। वो हमने तेजस्वी के लिए भी एक पत्र दिया है, उनके लिए प्रस्ताव भेजा है कि मिलकर लड़िए, अखिलेश को भेजा है और बहन जी को भेजा, बहन जी के साथ में जो उनके महासचिव हैं डॉक्टर सिद्धार्थ जी, जिनकी लड़की की शादी विकास आनंद है ना, आनंद का लड़का जो बेटा है, हाँ उसके शादी हुई है, तो उनसे भी जो है मेरी मीटिंग भी हुई, बात भी हुई। उनके एक वो वहाँ के मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं राम जी गौतम, राजस्थान सांसद हैं जी, उनसे भी बात हुई। हम 12 लोग, 12 पार्टी के लोग गए, हमने प्रस्ताव रखा कि हम पहले बहन जी से जो है हम चाहते हैं कि बहन जी हमसे बात करें और मुलाकात करेंगे हम और मिलकर चुनाव लड़े मध्य प्रदेश। देश की जनता जो आपको देख रही है जी जी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देश की जनता जो है 75 साल आजादी को हो गए, 75 साल से हमने दूसरे लोगों को ही राजा बनाया जी, और जो है राजा बनाया, सपोर्ट दिया, वोट दिया, सब कुछ किया, लेकिन जब उनकी बात आई देने की, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, नौकरी की बात हो, फैक्ट्री की बात हो, जमीन की बात हो, मान सम्मान की बात हो, तो वो जो है उनको आज तक उन्होंने नहीं दिया जी। अब नहीं दिया तो फिर क्या होगा? हाथ जोड़ के वो नहीं देते, झोली फैला के वो नहीं देते, तो अब क्या है? अब तो वोट की ताकत है, समाज को तैयार करो, और जिनको नहीं मिल रहा है वो इकट्ठे होके एक जगह वोट डालो। तो इनके पास वोट है ही नहीं, इनके पास कम वोट हैं, और जिनको नहीं मिल रहा है उनके पास ज़्यादा वोट हैं, वो चाहे तो हरा सकते। उदाहरण के लिए काशीराम मायावती कुछ भी नहीं थे, लेकिन बड़े बड़े भूप धाराशाही कर दिए। हमारे यहाँ एक कुशवाहा थे मध्य प्रदेश में, सतना, सुखलाल कुशवाहा का नाम सुना हो, और अर्जुन सिंह चुनाव लड़े और राम कुमार शुक्लेचा चुनाव लड़े, दोनों मुख्यमंत्री रहे, दोनों को हराया और वो BSP से सांसद बने। आप गुर्जर समाज से आते हैं जी, गुर्जर समाज के जो देश के लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या आप कहना चाहते हैं? मेरी तो प्रार्थना है, मैं छोटा सा गुर्जर समाज का एक सेवक हूँ, सफाई हूँ, और मैं अपने आप को गुर्जर समाज के लिए, गुर्जर समाज की सेवा के लिए समर्पित हूँ।
मैं जो चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना यही है कि भैया बहुत जो दूसरे की दरी बिछा ली, बहुत दूसरों को निशाने पर बोर्ड दे लिया, दूसरों को बहुत राजा बना लिया, अब अपने डंडे झंडे इसको मजबूत करो, अपने निशाने पर बोर्ड करो, खुद राजा बनो, बनाओ, ये तुम में ताकत है। बस यही मेरा संदेश है, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरा निवेदन। चलिए ठीक है, नाथू सिंह गुर्जर साहब, आपने बड़े अच्छे सवालों के जवाब दिए और बड़ी अच्छी आपसे आज हमारी एक गुफ्तगू हुई, और आपने अपनी पार्टी के एजेंडे के बारे में बताया। हम तो आपको धन्यवाद देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे जैसे गरीब किसान आदमी के किसान नेता हैं, हम छोटे से गांव पैदा हुए, हमारी आवाज को आप जो देश में हमारे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो हम तो आपके लिए धन्यवाद देते हैं। जी बिल्कुल, प्रार्थना करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि आप हमारी आवाज को ऐसे ही बुलंद कर देना, तो आप 18 की बात कर रहे हो, 10 साल में सरकार बना के यहीं बैठ जाते हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ थे नाथू सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंकलाब विकास दल पार्टी भारत। तो आज हमने उनके जीवन सफर और उनके राजनीतिक यात्रा पर उनसे बात की। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।